हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बुक बी हाइव के चैप्टर को, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची। तो ये लेसन पढ़ने से पहले हम एक कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको लगता है, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप अब अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं उसकी अपेक्षा जब आप छोटे थे? परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस डैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। शायद आप अब समझते होंगे उनके एक्शंस का, उनकी डांट का कारण, जो तुम्हें बचपन में अपसेट यानी उदास या परेशान कर दिया करती थी। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। यह कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के लिए डर से समझ में बदल गई। ऐसा लगभग हर घर में होता है। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए ही वाज यानी कि उसके पापा, ही वाज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उसके पापा एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे कि डरा जाए और उनसे बचा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू होम ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस। हर सुबह काम पर जाने के पहले उसके पापा उसके कमरे में आते थे और उसे एक कैजुअल किस देते थे, टू विच सी रेस्पोंडेड गुड बाय फादर। उसके रेस्पॉन्स में वो अपने पापा से कहती थी गुड बाय पापा। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी, बग्गी। घोड़ा गाड़ी के दूर जाती हुई आवाज़ को सुनकर वह लड़की, वह छोटी बच्ची बहुत खुश होती थी, उसे बहुत तसल्ली मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज वॉइस इन द हॉल। शाम को जब उसके पापा घर वापस आते थे तो वह सीढ़ियों पर आकर खड़ी हो जाती थी और हॉल में से एक तेज आवाज़ सुनती थी, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मेरी चाय ड्रॉइंग रूम में लेकर आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो सीफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर। उसके पापा उसकी मदर से कहते थे कि जाओ देखो क्या मेरा पेपर बाहर है और मेरी चप्पल लेके आओ। केजिया, केजिया उस लड़की का नाम, उस छोटी बच्ची का नाम था। मदर वुड कॉल टू हर। उसकी मम्मी कहती थी इफ़ यू वर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पापा के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम। वह धीरे से सीढ़ियों से नीचे आती है, उससे भी ज़्यादा धीरे से, चुपचाप से वो उस हॉल से होकर गुजरती है और ड्रॉइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाई डेट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे डेट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक उसके पापा अपनी चश्मा पहन चुके होते हैं और वो उसकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं जो उस लड़की के लिए डरावना था। उसके पापा कहते हैं वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो उसके पापा कहते हैं कि केजिया जल्दी करो, मेरे जूते निकालो और इन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी लड़की बनी रही? उसके जवाब में केजिया कहती है आई डोंट नो सर। वो हकलाते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ।
तो उसके पापा उसकी नकल में कहते हैं, यू डोंट नो, इफ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। क्या तुम नहीं जानती हो, यदि तुम ऐसे हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वह कभी दूसरों के सामने नहीं हकलाती थी, वह उसे बिल्कुल छोड़ चुकी थी, पर वह केवल अपने पापा के सामने हकलाती थी क्योंकि उस समय वह शब्दों को बहुत सही सही बोलने का प्रयास कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचेड अबाउट। उसके पापा उससे कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी नाखुश क्यों नजर आ रही हो। मदर, उसके पापा उसकी मदर से कहते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द रिंक ऑफ सुसाइड। उसके पापा उसकी माँ से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझाओ कि ये ऐसी ना दिखे कि ये जैसे सुसाइड आत्महत्या करने वाली है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके पापा केजिया से कहते हैं कि मेरी चाय टेबल पर अच्छे से लेके आओ, मतलब केयरफुली। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। उस केजिया के लिए उसके पापा बहुत बड़े थे, उसके बड़े बड़े हाथ थे, उसकी गर्दन बड़ी, केजिया को उसकी उनकी गर्दन बहुत बड़ी लगती थी, स्पेशली उसका मुंह उन्हें बहुत बड़ा लगता था जब वह ओबासियाँ देते थे। उसके बारे में सोचना उसके लिए किसी दैत्य के बारे में सोचना जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। रविवार की दोपहर को उसकी दादी उसको ड्राइंग रूम नीचे ड्राइंग रूम में भेजा करती थी ताकि वह अपनी माँ और पापा से अच्छे से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो जब उसकी ग्रैंड मदर उसे नीचे भेजती थी तो लिटिल गर्ल क्या देखती थी कि उसकी मदर कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और उसके पापा सोफा पे बिल्कुल हाथ पैर फैला के लेटे हुए रहते थे, अपने चेहरे पर रुमाल डालकर और अपने पैरों को एक अच्छे से तकिया पर रखकर बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते थे और खर्राटे मार रहे होते थे। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे मारना। सी सेट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक अप एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। वह स्टूल पर बैठ गई और गंभीरता से अपने पापा को देखने लगी जब तक कि वो जाग नहीं गए। उसके पापा उससे पूछते हैं कि टाइम कितना हुआ और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन होल। उसके पापा उससे कहते हैं कि ऐसे मत घूरो, तुम्हें एक छोटे ब्राउन होल की तरह लगती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर डेट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन जब वह घर पर ही थी सर्दी के कोल्ड के कारण, उसकी दादी माँ उनसे बोलती है कि पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, अगले सप्ताह पापा का बर्थडे है, जन्मदिन है, और वो उसे सुझाव देती है कि तुम्हें एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट, उन्हें गिफ्ट देने के लिए येलो सिल्क की साथ। लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन।
लेवरेसली मतलब विथ ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, बहुत ही परिश्रम के साथ, डबल कॉटन से वो केजिया तीन साइड को सिल देती है। पर उसके सामने अब यह क्वेश्चन था कि इसे भरा किससे जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वंडर्ड इन टू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। जो उसकी दादी माँ थी वो गार्डन में थी, तो वह संयोगवश अपने मम्मी के बेडरूम में चली गई स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए। स्क्रैप्स का मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा डेट आर नॉट नीडेड, मतलब जो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े जिनका कोई काम नहीं होता, उन्हें ढूंढने के लिए वो अपने मम्मी के बेडरूम में चली गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस देन स्वीड अप द फोर्थ साइड। ऑन द बेड टेबल, बेड की टेबल पर उसे बहुत सारे फाइन पेपर के शीट्स मिल गए। उसने उसे उनको इकट्ठा किया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, और उन कागज के टुकड़ों से उन्हें तकिया को भर लिया और उसे चौथी साइड से सिल दिया। डेट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में बहुत शोर शराबा था। ह्यू एंड क्राई का मतलब एंग्री प्रोटेस्ट। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके केजिया के पापा की स्पीच के जो पेपर्स थे, स्पीच जिनमें लिखी हुई थी, वो खो चुके थे। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। कमरों को खंगाला गया और घर के नौकरों से भी पूछताछ की गई। अंततः केजिया की मम्मा उसके कमरे में आई, केजिया के रूम में। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। उसकी मम्मी केजिया से पूछती है, क्या तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर्स देखे हैं? तो केजिया कहती है, ओ यस सी सेड, ओ यस सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ, मैंने उन्हें मेरा सरप्राइज बनाने में, मेरा पापा को गिफ्ट दे जो गिफ्ट देना था, उसको सरप्राइज देना था, उनके लिए फाड़ दिया है। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी माँ चिल्लाती हुई कहती है, व्हाट, तुम सीधे मेरे नीचे डाइनिंग रूम में चली आओ इसी वक्त। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बी एंड हिज बैग। और उसकी माँ उसको नीचे घसीट कर ले जाती है, और जहाँ उसके पापा इधर से उधर घूम रहे होते हैं अपने हाथों को पीछे करके। वेल ही सेड शार्पली, उसके पापा कहते हैं, वेल, मदर आगे से ही सब एक्सप्लेन कर देती हैं। ही स्टॉप एंड स्टेड एट द चाइल्ड। वह रुक जाते हैं और उस केजिया की तरफ घूरने लगते हैं और उससे पूछते हैं, डिड यू डू डेट, क्या तुमने ये किया? तो वो न न नो सी विस्पर्ड। तो हकलाती हुई थोड़ा फुसफुसाती है, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, सी डेट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस स्टैंड। उसके पापा उसकी मदर से कहते हैं कि इसके रूम में जाओ और उस गिफ्ट को यहाँ लेकर आओ, और इस चाइल्ड को ये भी देखो कि ये चाइल्ड अपने बेड पर हो इसी वक्त। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर।
वह इतना रो रही थी कि ठीक से समझा भी नहीं पा रही थी। वह अपने रूम में लेटी हुई थी और शाम की आने वाली सूरज की किरणों को देख रही थी, जो कि फ्लोर पर एक बहुत ही सैड पैटर्न यानी कि उदास सा पैटर्न बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हैंड। तब बाद में तब उसके पापा रूम में आते हैं, जिनके हाथ में एक रूलर यानी कि स्केल स्टिक होती है, और वो कहते हैं, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ तुम्हारी इस हरकत के लिए। ओ नो नो सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। तो वो उसके रिएक्शन कहती है कि ओ नो, वो चिल्लाती है और बेड क्लॉथ यानी बेड शीट्स के अंदर छुप जाती है। ही पुल देम असाइड। उसके पापा उन शीट्स को बाहर खींच लेते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। उसके पापा उससे कहते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ और अपने हाथ आगे करो, तुम्हें एक बार और हर बार के लिए ये सिखाना जरूरी है कि तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। वो ऐसे हकलाते हुए बोलती है कि पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाल्म्स। जो रूलर था उनके पापा के हाथ में था, वो नीचे आता है और उनके उस बच्ची के नन्हे नन्हे गुलाबी हथेलियों में आके लगता है। हार्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंज टू हर सॉफ्ट बॉडी। कई घंटों बाद जब उसकी दादी माँ उसे अपने शॉल में लपेट कर कुर्सी पर रॉकिंग चेयर पर बिठाती हैं, तो वो जो छोटी बच्ची है वो अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से चिपक जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर सी सॉब्ड। वो सिसकती हुई पूछती है अपनी दादी से कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया, ये फादर्स को क्यों बनाया। हियर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज। उसकी दादी माँ कहती है कि ये एक साफ सुथरा हैंकी है और तुम इससे अपनी नाक पोंछ लो और सोने चले जाओ, गो टू स्लीप बट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम इन सब के बारे सुबह इन सब के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो बहुत उदास परेशान दुखी थे सुनने के लिए भी आज। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। लेकिन वह छोटी बच्ची उसे कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगले नेक्स्ट टाइम जब वह अपने पापा को देखती है तो वो तेज़ी से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लेती है और उसके गाल में लाल रंग सा आ जाता है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 children। जो मैकडोनल्ड्स फैमिली थी जो उनके पड़ोस में रहती थी, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रेन राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। केजिया जो फैंस के एक छोटे से गैप के बीच में से देखती है कि एक छोटी सी बच्ची को देखती है जो कि टैग गेम खेल रही है। टैग गेम मतलब ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनादर,
जो बच्चों का गेम जो एक दूसरे को पकड़ने का टैग गेम खेल रही है इन द इवनिंग। द फादर विद द बेबी बेबी माओ, फादर ने बेबी माओ को, छोटे बच्चे जिसका नाम माओ है उसको अपने कंधों पर बैठाया हुआ है, और जो दो छोटी बच्चियां हैं वो उसके कोट के पॉकेट्स पे लटकी हुई है, और वो सब एक फ्लोर बेड के चक्कर लगा रहे हैं हंसते हुए, बहुत ही मज़े करते हुए। वंस सी सो द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, एक बार वो देखती है कि जो बॉयज थे, जो लड़के थे, उन्होंने जो पानी का पाइप था वो अपने पापा की तरफ कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम एंड लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ऑल हंसे जा रहे थे। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब वह सोचती है, उसे लगता है कि फादर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, एक मेरे वाले एक इनके वाले। सडनली वन डे मदर्स बिकम इल एंड सी एंड अदर ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अचानक से एक दिन जो केजिया की मम्मा थी वो बीमार हो जाती है, और वो और उनकी दादी माँ हॉस्पिटल को चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस द कुक, तो जो छोटी बच्ची होती है वो घर में अकेली रह जाती है अपनी कुक के साथ, जिसका नाम एलिस था। डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तक तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है तो वो अचानक से डर जाती है। वॉट आई विल डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर सी आस्क्ड, आई ओफन हैव नाइट मेयर्स, देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परिंग, तब वो अपनी जो कुक होती है एलिस उससे पूछती है कि अगर मुझे नाइट मेयर आया, नाइट मेयर यानी ए ब्री बैड ड्रीम, एक बुरा सपना आया, तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो अक्सर नाइटमेयर्स ये बुरे सपने आते रहते हैं, ग्रेनी मुझे अपने बेड में ले जाता है, आई कैंट, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, यह बिल्कुल डरावना हो जाता है। तब यू जस्ट गो टू स्लिप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम वेक अप योर पुअर पा, तब जो उसकी कुक होती है उससे कहती है कि तुम बस सो जाओ, और उसके सॉक्स को निकालते हुए उससे कहती है कि तुम बस सो जाओ और चिल्लाना मत, और अपने पापा को जगाना मत जो कि दिन भर काम करके आए हैं और थके हुए हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल विथ While she could not move, could only stand still crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन क्या हुआ, वो ओल्ड पुराना बुरा सपना आ गया। द बुचर, बुचर यानी कसाई जो कि मीट वगैरह काटता है, जिसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सी है जो कि उसके करीब के करीब और पास आए जा रहा है, और उसकी बहुत ही एक डरावनी सी स्माइल है, जबकि वह जो क्रेजिया थी वो मूव नहीं कर सकती थी डर के मारे, और वह सिर्फ एक जगह खड़ी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी, दादी माँ दादी माँ। जब वो जागी, कांपते हुए जागी, तो उसने देखा कि उसके पापा उसके बेड के बगल में खड़े हुए हैं, एक कैंडल हाथ में लिए हुए। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसके पापा पूछते हैं क्या बात है। ओ ए बुचर ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, तब वह कहती है
एक कसाई एक चाकू घबराते हुए ऐसे कहती है, अपने सपने के बारे में बताती है। फिर वो कहती है, मुझे ग्रेनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। तब जो क्रेजिया के पापा है वो मोमबत्ती को बुझा देते हैं और नीचे झुकते हैं और क्रेजिया को अपनी भावों में भर के पैसेज के रास्ते से अपने बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर बाज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। एक न्यूज़पेपर जो कि बेड पे था वह उसे दूर हटा देते हैं और तब केयरफुली उसे क्रेजिया को टक्ड अप कर देते हैं। टक्ड अप मीन्स कवर्ड अप नाइसली इन द बेड, ढकना कुछ भी, ढकना या रजाई ओढ़ाना। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके बगल में सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, लेकिन वो अभी पूरी तरह से सोई नहीं थी, बस वो आधी ही सोई हुई थी। अभी भी जो बुचर की स्माइल थी उसे लग रहा था कि वो उसी के आसपास है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। सी तब वह उसके अपने पापा के और करीब आ गई और उसको स्नगल्ड यानी मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू ए पर्सन। वो अपने पापा के सिर के नीचे आ गई और उनकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, से ले स्टिल। तब फिर अंधेरे से कोई मतलब नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो लेटी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तब उसके पापा कहते हैं कि अपने जो फीट हैं उनको मेरी लेग्स के साथ रब करो तो वो गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। जो केजिया के पापा थे वो बहुत थके हुए थे तो वो केजिया से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उसके मन में फनी सी फीलिंग आती है, वो सोचती है कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। वह जो दादी माँ है उनसे ज़्यादा हार्डर है बट वो हार्डनेस अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। और हर दिन उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए वो मैकडोनल्ड नहीं हो पाते, मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन पाते। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, सी स्टर्ड सडनली एंड साइड। तब उसके मन में उसने सोचा कि मैंने अपने पापा की सारी ब्यूटीफुल राइटिंग्स को फाड़ दिया, और वो सहम सी गई, उसे सोचकर बहुत सहम सी गई। व्हाट द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। तब उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, दूसरा सपना आया क्या। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तब वो कहती है कि जो मेरा सिर है वो आपके सीने पे रखा हुआ है और मैं आपकी दिलों की धड़कन सुन सकती हूँ, और आपके पास कितना बड़ा दिल है प्यारे पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो वो आखिर में सब कुछ आखिर में समझ जाती है कि मेरे पापा हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए वो
वो नहीं कर पाते जो मैकडोनल्ड्स करते हैं, लेकिन मेरे पापा अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया है। तो इसमें यह था कि जो लिटिल गर्ल थी केजिया, पहले उन्हें लगता था कि अपने जो उसके पापा हैं वो बहुत ही निर्दयी हैं और बुरे हैं, उसे डांटते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में उसे समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। जो मेरे पापा होते हैं वो बहुत थके हुए होते हैं और मेहनत करके आते हैं, इसलिए वो इतना प्यार मुझे नहीं दे पाते जितना कि जो मैकडोनल्ड्स करते हैं। बाकी उनका दिल बहुत बड़ा है और वो मेरी मुझे पसंद करते हैं। तो अब हम जो इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस हैं उनको कर लेते हैं। तो पहला है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो गिवन बिलो आर सम इमोशंस डेट केजिया फेल्ट, मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। तो नीचे दिए गए कुछ इमोशंस जो कि केजिया महसूस करती थी उनको कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी में दिए गए आइटम के साथ मैच करना है। तो पहले मैं कॉलम ए के पॉइंट्स बोल देता हूँ। तो पहला पॉइंट है फियर और टेरर, दूसरा पॉइंट है ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, और तीसरा पॉइंट है ए फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और कॉलम बी में जो दिया गया है पॉइंट्स उनको, जो पहला पॉइंट है फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय किस, दूसरा पॉइंट है नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोस फेंटर, तीसरा पॉइंट है फादर कम्स होम, चौथा पॉइंट है स्पीकिंग टू फादर, पांचवा पॉइंट है गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, एंड छठवां पॉइंट है फादर कम्फर्ट्स हर एंड फॉल्स असलीप, एंड सातवां पॉइंट है फादर इज स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग। तो मैं अब आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है फियर और टेयर, वो बी पॉइंट के फर्स्ट यानी कि फादर बी पॉइंट, पहला जो पॉइंट है फियर एंड टेरर डर और आतंक, जो कि बी पॉइंट के फर्स्ट से हम मैच करेंगे। तो पहले से मैच होने वाला तीसरा पॉइंट है फादर कम्स होम, फादर जब घर को आते थे, और चौथा पॉइंट भी इसी में आएगा स्पीकिंग टू फादर, फादर से बात करना, और पांचवा पॉइंट भी इसी इसी में आएगा गोइंग टू बेड व्हेन अलोन अलोन एट होम, बिस्तर पर जाना जब वो अकेली हो, बिस्तर पर जाके सोना जब वो अकेली हो, और सातवां पॉइंट भी इसी में आएगा फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा एंड स्नोइंग, फादर जो सोफा पे हाथ पैर फैला के लेटे हुए होते हैं और खर्राटे मार रहे हुए होते हैं। अब दूसरे पॉइंट से मैच करेगा ग्लेड, दूसरा पॉइंट जो एक कॉलम में है ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, उसे बी कॉलम से मैच करेगा, वो है फर्स्ट पॉइंट फादर कम्स इन टू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय किस, फादर उसके कमरे में आते हैं उसे गुड बाय किस देने, और तीसरे पॉइंट से भी मैच करेगा फादर कम्स होम, फादर जब घर को आते हैं, सॉरी तीसरे पॉइंट से नहीं मैच करेगा, ये दूसरे पॉइंट से मैच करेगा नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रॉस फेंटर, जो तीसरा पॉइंट है ए फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो जो छठवें पॉइंट से मैच करेगा फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स असलीप। तो अब हम इसके आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंस, क्वेश्चंस के एक या दो सेंटेंसेस में हमें उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है
वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट हु ऑलवेज यूज टू गिव कमांड्स टू एवरीबडी एल्स इन द हाउस, ही नेवर प्लेड विथ हर, ही हैड बिग हैंड्स एंड हैवी फेस स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड वर विग एंड सी वाज स्पेशली टेरिफाइड विद द मैनर इन विच ही लुक्ड एट ओवर हिज स्पेक्टिकल्स। तो इसका मतलब समझ लेते हैं हम हिंदी में। तो केजी अपने पापा से इसलिए डरती थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे, जो कि हमेशा अपने कमांड्स सब पर चलाया करते थे, अपने ऑर्डर दिया करते थे। वो उसके साथ कभी नहीं खेलते थे, उनके बड़े बड़े हाथ थे, उनका बड़ा सा मुंह था, स्पेशली जब जब वो वासियां लेते थे और जब वो उनकी बिल्कुल घूर कर देखते थे, तो इस वजह से उनको डर लगता था। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, केजिया केजिया की फैमिली में कौन लोग थे? तो इसका आंसर है केजिया फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर फादर ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ। केजिया की फैमिली में उसकी मम्मा थी, उसकी ग्रैंड मदर थी और हर सेल्फ थी, वो खुद थी। तीसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट आउट टू नो हर फादर बेटर। सॉरी, ये फोर्थ क्वेश्चन था, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द केजियास फादर रूटीन, केजिया के पापा का जो दिनचर्या थी वो क्या थी? पहली पॉइंट में जवाब देना है बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वाली। दूसरा है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और तीसरा है ऑन संडेज। तो इसके आंसर पहला बिफोर गोइंग टू ऑफिस में है। बिफोर गोइंग टू ऑफिस केजियास फादर यूजली वेंट इन टू हर रूम टू गिव हर ए कैजुअल किस। तो ऑफिस जाने के पहले केजिया के पापा केजिया के रूम में जाते थे और उसे किस देते थे। एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस उनका रूटीन था, ही ऑर्डर्ड फॉर टी टू ब्रॉट इन टू द ड्रॉइंग रूम, ही ऑल्सो आस्क्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिम द न्यूज़पेपर, हिज स्लीपर्स एंड केजिया टू पुल ऑफ हिज बूट्स। और ऑफिस जाने के बाद उनका रूटीन था कि वह एक कप ऑफ टी के लिए ऑर्डर देते थे उनके ड्राइंग रूम में लाने के लिए, और वो उनकी माँ से भी बोलते थे न्यूज़पेपर लाने के लिए, उनकी चप्पलें लाने के लिए, और केजिया को उनके जूते उतारने के लिए बोला करते थे। और जो तीसरा पॉइंट था थर्ड क्वेश्चन में, ऑन संडेज को उसके पापा क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है, उसका आंसर है ऑन संडेज ही स्ट्रेच ऑन द सोफा कवर्ड हिज फेस विद ए हैंडकरचीफ एंड वेंट टू स्लीप। तो रविवार को वो सोफा पे लेटे हुए होते थे और अपने मुंह पे रुमाल ढककर सो जाते थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इन वाट वेज डिड केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। तो वो कौन से तरीके थे जिनसे जो केजिया की दादी माँ थी जो उसको प्रोत्साहित करती थी उसके पापा को अच्छे से जानने के लिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं, केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज हर बाय सेंडिंग हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ हर मदर एंड फादर ऑन संडे आफ्टरनून्स। केजिया की जो दादी माँ थी उसको इनकरेज इस तरह से करती थी कि उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपनी माता और पिता के साथ अच्छे से बात कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्कस थ्री क्वेश्चंस इन क्लास विथ योर टीचर
एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन टू और थ्री पैराग्राफ्स ईच। तो आपको ये जो तीन क्वेश्चंस हैं नीचे दिए गए, उनको अपने टीचर्स के साथ, अपने शिक्षकों के साथ डिस्कस करना है और उनके आंसर तीन या दो या तीन पैराग्राफ्स के अंदर लिखना है। तो मैं वो आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जिन्हें आपको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है, केजियास एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन। तो इसको मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो केजियास के वो क्या एफर्ट्स थे, क्या प्रयास थे अपने पापा को मनाने के लिए, जो कि उसी पर उल्टे पड़ गए और उसके पापा को अपसेट कर दिया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, केजिया डिसाइड्स दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स, व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मैकडोनल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियास फादर। तो इसका हिंदी है कि केजिया ने डिसाइड किया कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के फादर्स होते हैं और मैकडोनल्ड किस तरह के फादर थे और वो उनके पापा से किस तरह से अलग थे। तो क्वेश्चन थ्री देख लेते हैं, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो इसका अब हम हिंदी मतलब देख लेते हैं, केजिया अपने पिता को एक ऐसे इंसान के रूप में कैसे देखना शुरू करती है जिसे सहानुभूति की आवश्यकता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लुक एट द सेंटेंस, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। तो हियर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग, यहाँ ग्लैड का मतलब है किसी चीज के लिए खुश होना। ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, डिलाइटेड, थ्रिल्ड एंड ओवरजॉयड आर सिनोनियम्स वर्ड्स, सिनोनियम्स मीनिंग पर्यायवाची, एक्सप्रेशंस डेट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, दीज आर कॉल्ड सिनोनियम्स, पर्यायवाची। हाउएवर दिस एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन सर्टेन वेज। रीड द सेंटेंसेस बिलो, सी वॉज ग्लैड वैन द मीटिंग वॉज ओवर। द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। अच्छा, इनका मतलब है पहले के सेंटेंस का कि सी वॉज ग्लैड वैन द मीटिंग वॉज ओवर, वो खुश हुई जब मीटिंग खत्म हो गई। एंड द सेकेंड, द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज टू अनाउंस द नेम ऑफ विनर। चीफ गेस्ट को खुशी हुई जो विजेता था उसका नाम अनाउंस करने में। यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द सिनोनियम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन इन ब्रैकेट्स। तो उपयुक्त शब्दों को इन सिनोनियम्स में से, पर्यायवाचियों में से इस्तेमाल करते हुए जो नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो ये सिनोनियम्स है, उपयुक्त सिनोनियम्स, उनका इस्तेमाल कीजिए। जो क्लूज है वो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। तो पहला है सीवास ब्लैंक बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। तो इसके ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, सी वाज थ्रिल्ड बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। तो इसमें ब्लैंक स्पेस पे क्या आया, थ्रिल्ड। सेकेंड हमारा, आई वाज ब्लैंक स्पेस टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, हिंट है अपना, एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट। तो इसके ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, आई वाज डिलाइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी एंड
थर्ड है हमारा सी वाज ब्लैंक स्पेस एट द बर्थ ऑफ ग्रैंड मदर, क्लू है इसमें एक्सट्रीमली हैप्पी, तो इसके ब्लैंक स्पेस में आएगा सी वाज ओवरजॉयड एट द बर्थ ऑफ द ग्रैंड डॉटर। फोर्थ है द कोच वाज ब्लैंक स्पेस विथ दिस विथ हिज परफॉर्मेंस, क्लू है सेटिस्फाइड अबाउट, इसका आंसर है द कोच वाज प्लीज्ड विथ हर्स विथ हिज परफॉर्मेंस, तो इसमें क्या है प्लीज्ड। फिफ्थ है सी वाज वेरी ब्लैंक स्पेस विथ हर रिजल्ट, इसमें क्लू है हैप्पी अबाउट समथिंग डेट हैज हैपन, तो इसमें क्या आएगा सी वाज वेरी हैप्पी विथ हर रिजल्ट, तो सी वाज वेरी हैप्पी हैप्पी आएगा इसमें। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टडी द यूज ऑफ वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ में बिग वर्ड का यूज पढ़ना है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ, हियर बिग मीन्स लार्ज इन साइज, उसका वह बहुत बड़ा है, उसके हाथ उसकी नेक बहुत बड़ी है, उसका मुंह बहुत बड़ा है, यहाँ बिग का मीन्स है आकार में बड़ा होना। नाउ कंसल्ट ए डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो यहाँ आपको इन सेंटेंसेस में बिग का उपयुक्त मीनिंग बताना है, मतलब बताना है, और पहला वाला इनके द्वारा पहले से ही किया गया है। तो पहला है यू आर ए बिग गर्ल नाउ, तो यहाँ बिग का क्या मतलब हुआ ओल्डर, यानी कि तुम बड़ी लड़की हो ओल्डर लड़की हो। सेकेंड है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर, तो यहाँ बिगेस्ट का मतलब क्या है बिगेस्ट का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरा है देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज, तो यहाँ बिग का मतलब क्या है बिग आइडियाज यानी इनोवेशन। फोर्थ है क्रिकेट इज ए बिग गेम इन अवर कंट्री, तो यहाँ बिग का मतलब है पॉपुलर पॉपुलर गेम। आई एम ए बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, तो यहाँ बिग फैन में आएगा ग्रेट फैन ऑफ लता मंगेशकर। यू हैव टू कुक ए बिट मोर एज माई फ्रेंड इज ए बिग ईटर, तो यहाँ बिग ईटर का क्या मतलब है जो ईटर के साथ बिग यूज हुआ है उसका गॉरमेंट यानी कि ज़्यादा खाने वाला। वाट ए बिग हार्ट यू हैव फादर डियर, तो यहाँ बिग का मतलब क्या है जेनरस हार्ट। वी यूज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइज ऑर्डर रिपोर्ट स्टेटमेंट्स थॉट्स इंटेंशंस क्वेश्चंस रिक्वेस्ट अपोलॉजीज मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन। अंडरलाइन द वर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको रेखा खींचनी है वर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग के नीचे जो इन सेंटेंसेस में उपस्थित हैं। फर्स्ट है ही सेज ही विल एंजॉय द राइड, सेकेंड सेंटेंस है फादर मेंशन डेट ही वॉज गोइंग ऑन ए हॉलीडे, थर्ड सेंटेंस है नो वन टोल्ड अस डेट द शॉप वॉज क्लोज्ड, फोर्थ सेंटेंस है ही आंसर्ड डेट द प्राइस वुड गो अप, फिफ्थ है आई वंडर्ड वाई ही वॉज स्क्रीमिंग, सिक्स्थ है व्हेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, एंड सेवेंथ है रतन अपोलॉजाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी। सेकेंड हम करते हैं सम वर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट
आई एम नॉट अफ्रेड द वूमन, ब्लैंक स्पेस द वूमन, इसमें क्या आएगा, आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द वूमन। सेकेंड, लीव मी अलोन माई फादर, ब्लैंक स्पेस, तो इसमें क्या आएगा ब्लैंक स्पेस में, लीव मी अलोन माई फादर शाउटेड। थर्ड है द ब्लैंक द चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस दैट रोड्स वर क्राउडेड एंड नोइजी, तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नोइजी। फोर्थ है परहैप्स ही इजंट ए बैड सॉर्ट ऑफ चैप आफ्टर ऑल, ब्लैंक स्पेस द मास्टर, तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, परहैप्स ही इजंट ए बैड सॉर्ट ऑफ चैप आफ्टर ऑल, रिमार्क द मैन, रिमार्क द मास्टर। फिफ्थ में क्या आएगा, लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, ब्लैंक स्पेस द स्पोर्ट टीचर, तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, सजेस्टेड। लेट्स गो लुक एट द स्कूल ग्राउंड एंड सजेस्टेड द स्पॉट टीचर। द ट्रैफिक पुलिस ब्लैंक स्पेस ऑल द पैसर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड, ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड ऑल द पैसर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड। तो नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग, फ्रॉम पेयर्स और ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस करना है, स्पीकिंग करनी है। तो दिस स्टोरी इज नॉट इंडियन स्टोरी बट डू यू थिंक देयर आर फादर्स मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स लाइक द वंस पोर्ट्रेड इन द स्टोरी इन अवर ओन कंट्री, तो इसका हिंदी मतलब है कि ये स्टोरी एक भारतीय ये कहानी एक भारतीय कहानी तो नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे पाप फादर मदर ग्रैंड मदर ऐसे ही होते हैं जैसे इस कहानी में दिखाए गए हैं, अपनी कंट्री में भी ऐसे ही माता पिता उनका व्यवहार ऐसा ही होता है जैसे इस कहानी में दिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, वाज केजियास फादर राइट टू पनिश हर, What kind of a person was he? You might find some of these words useful in describing him. तो दूसरा क्वेश्चन है, क्या केजिया को उसके पापा को केजिया को पीटने का अधिकार है? क्या किस तरह के व्यक्ति हैं वो? केजिया के पापा किस तरह के व्यक्ति हैं? तो आपको ये वर्ड्स उसमें यूज़ करने हैं जो अभी मैं बोल बता देता हूँ, अनडेमोन्स्ट्रेटिव, लविंग, स्ट्रिक्ट, हार्ड वर्किंग, रेस्पॉन्सिबल, अनकाइंड, डिसिप्लिनरी, शॉर्ट टेम्पर्ड, अफेक्शनेट, केयरिंग, इनडिफरेंट। तो हम राइटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, राइटिंग में क्या हैज़ योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्रॉम ए सिमिलर डिफरेंट फ्रॉम और सिमिलर टू डेट ऑफ केजिया When you were a child, has your perception about your parents changed now? Do you feel any change in your parents' behavior? Who has become more understanding? What steps would you like to take to build a relationship based on understanding? Write 3 or 4 paragraphs, 150 to 200 words, discussing these issues from your own experience. तो क्या आपकी लाइफ इससे अलग है या केजिया जैसी है जब आप बच्चे थे? क्या आपके माता पिता के लिए जो आपकी धारणाएं वो क्या बदली हैं? डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर, क्या आपने अपने माता पिता में कुछ बदलाव देखा है उनके बिहेवियर में? हु हैज बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, क्या ज़्यादा आपको उनके बारे में समझ आई है? व्हाट स्टेप्स वुड यू लाइक टू टेक ए बिल्ड रिलेशनशिप्स, आप क्या कदम उठाएंगे अपनी माता पिता के साथ अपनी बॉन्डिंग अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए? कोई तीन तीन या चार पैराग्राफ में लिखकर ये
तो हम इस बुक की पॉइंट नंबर 3, जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पोइम के पॉइंट हैं कॉर्ट स्किनी। इस पोइम को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ लाइनें दी गई है जिससे हमें इस पोइम के बैकग्राउंड को समझने में मदद मिलेगी। हम उन्हें पढ़ लेते हैं। वेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। जब घने काले बादल आसमान को ढक लेते हैं और बारिश होने लगती है, तो कभी आपने जो छत पर गिरने वाली बारिश की धीमी धीमी बूंदों की आवाज़ सुनी है? व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर। जब तुम इस आवाज़ को सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। तो आप इस पोएम को पढ़िए ये जानने के लिए कि जब पोइट कवि इस बारिश की आवाज़ को सुन रहे थे तो उनके मन में क्या ख्याल, क्या सपने दिन में आ रहे थे। तो इस पोएम को 3 स्टेंजास में डिवाइड किया गया है। तो हम पहला स्टेंजा पढ़ते हैं और फिर उसका मतलब समझेंगे। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स एंड अ मेलंकली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट ए ब्लिस टू प्रीच द प्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। इसका मतलब क्या है? व्हेन द ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड का मतलब नमी वाला, पानी से भरा हुआ, शेडोज यानी कि परछाई यानी कि बादल, जो पानी से हुए भरे बादल, होवर यानी कि मंडराना, ओवर द ऑल स्टेरी स्टारी स्पेयर्स, स्टारी स्पेयर्स मतलब आकाश से भरा हुआ बादल। तो जब ये बादल, जो पानी से भरे हुए बादल है, जो तारों से भरे हुए आकाश को ढक लेते हैं, उनमें मंडराने लगते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो उदासी से भरा हुआ जो अंधेरा होता है वो रेनी टीयर्स में रोने लगता है, यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं उनको डार्कनेस यानी कि अंधेरे के आंसुओं से कवि ने यहाँ उनको कंपेयर किया है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। मतलब जब हमें कितनी खुशी होती है जब हम लेटे हुए होते हैं अपने बेड पे, पिलो को अपने नीचे दबाकर, और इस बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो इसका अगर हम पूरा मतलब समझे तो यही है कि जब जो काले घने बादल होते हैं जो पूरे आसमान को घेर लेते हैं, और जब उनकी जो उससे जो डार्कनेस होती है, जो उदासी से भरी डार्कनेस, उनको वो कहते हैं कि वो जो बारिश है वो उनके आंसू हैं। और जब हम लेटे हुए होते हैं अपने बेडरूम में, पिलो को अपने नीचे रखकर, और इस बारिश को सुनते हैं जब बारिश की बूंदों की आवाज़ को, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हम दूसरा स्टेंजा पढ़ लेते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन ऑन द रूफ। तो एवरी टिंकल, टिंकल मतलब कोई बारिश की छोटी छोटी बूंदे, ऑन द सिंगल्स, तो एवरी टिंकल, जब वो सिंगल्स यानी वुडन टाइल्स जो कि छत पे लगी हुई होती है, वुडन टाइल्स जब उन पे गिरती है, तो वो एक गूंज मेरे हर्ट दिल में करती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजीविंग स्टार्ट, और जो हजारों सपने वाली कल्पनाएं हैं मेरे मन में आना शुरू हो जाती है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर थ्रेड्स इन टू वूप, और जो हजारों मेरी पुरानी यादें हैं वो अपना ताना वाना बुनना शुरू कर देती है, वो एक मेरे दिल में एक शेप लेना शुरू कर देती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रूफ, जैसे ही मैं जो बारिश, छत पर गिरने वाली बारिश की जो चटपटाट की आवाज़ होती है उसे जो मैं सुनता हूँ, तो हजारों यादें मेरे मन में आने लगती है। तो हम इसका तीसरा स्टेंजा पढ़ लेते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स
अरे सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मतलब अब इन जो यादें मुझे बारिश के गिरने से जो मुझे यादें आ रही हैं उनमें मेरी माँ आती है, ऐसी जैसे कि वो कई सालों पहले किया करती थी हमें, देर सुबह तक, टिल डाउन मतलब, डाउन मतलब सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग जब सूरज की पहली किरण निकलती है जब तक सोने के लिए छोड़ दिया करती थी सपने देखने के लिए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी और एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि बारिश सिंगल्स जो कि टाइल्स हैं छत की टाइल्स वुडन टाइल्स उन पे गिर बारिश की गिरने से जो बार बार आवाज़ आ रही है उससे मैं अपनी माँ का चेहरा देख महसूस कर रहा हूँ, मतलब उन वो आवाज़ सुन के मैं अपनी माँ को महसूस कर रहा हूँ, उनका प्यारा सा चेहरा मेरे सामने आ रहा है बार बार। बाय द पैटर ऑफ द रेन, इस बारिश की आवाज़ जो छत पर गिरने वाली आवाज़ को सुनकर, तो अब उनकी माँ जिंदा नहीं है तो वो जो है बारिश की आवाज़ है उसको सुनकर उनकी पुराने यादें आती हैं और उन्हें अपनी माँ की याद आती है। तो हम इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं शब्दकोश, जिसमें है पहला टिंकल, तो टिंकल का मतलब क्या है, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स, जो छोटी हल्की बजने वाली आवाज़ें। सिंगल्स, रेक्टेंगुलर वुड टाइल्स यूज्ड इन ऑन रूफ्स, जो कि लकड़ी की बनी हुई जो टाइल्स होती है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होती है जो कि रूफ्स पर लगाने के लिए यूज की जाती है उन्हें सिंगल्स कहते हैं। वूफ, वेप्ड द थाउजेंड वूवन अक्रॉस द लूम, तो जो धागे होते हैं जो कि लूम होती है, लूम मशीन होती है फैब्रिक बनाने वाली, उसके जो तारों तरफ लपटे हुए जो धागे होते हैं उन्हें हम वूप कहते हैं। एरे, ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, तो ओल्ड पोइटिक वर्ड मतलब पुरानी जो कविताओं में बिफोर के लिए जो यूज़ किया जाता था उसे हम एरे कहते हैं। रिफ्रेन, ए रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोइम, हियर द साउंड ऑफ द रेन। रिफ्रेन मतलब कोई भी सॉन्ग या पोइम का जो रिपीटेड पार्ट होता है, जैसे कि इस पोइम में था द साउंड ऑफ द रेन। और लास्ट है हमारा लिस्ट, ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन, जो कि पुरानी जो कविताएं थी उनमें लिसन के लिए लिस्ट यूज़ किया जाता था। तो हम अब इसकी नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं, थिंकिंग अबाउट द पोइम। तो इसमें जो इस पोइम से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं अब उन्हें देख लेते हैं हम। व्हाट डू द, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेसेस मीन टू यू डिस्कस इन क्लास, ये जो फ्रेसेस है वो आपके लिए क्या मतलब रखती है, इनका क्या मतलब है आप ये क्लास में डिस्कस कीजिए। तो पहली फ्रेज है ह्यूमिड शैडोज, सेकंड है स्टारी स्पेयर्स, थर्ड है व्हाट ए ब्लिस, फोर्थ है ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड फिफ्थ है ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीप देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो अब हम इनका मीनिंग्स जान लेते हैं। तो ह्यूमिड शैडोज का क्या मतलब है कि दीज आर द शैडोज ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच बिकम बैड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, ये अलग अलग चीज़ों की परछाइयाँ होती हैं जो कि रेनी सीजन्स में गीली हो जाती हैं, यानी कि जो ह्यूमिड शैडो नमी से हुई भरी हुई परछाइयाँ। स्टारी स्पेयर सेकेंड, इसका मतलब देख लेते हैं, द एरिया वेयर स्टार्स अपीयर इन ए ग्रुप इन द स्काई, वो एरिया जो कि जहाँ बहुत सारे एक ग्रुप में स्टार्स होते हैं आसमान में, जैसे कि आकाशगंगा। तीसरा है वाट ए ब्लिस, वाट ए ब्लिस का मतलब है द पोइट फील्स हैप्पी व्हेन ही लिसन्स टू द रेन ड्रॉप्स, मतलब जो कवि था वो खुश होता है जब वो बारिश की आवाज़ें सुनता है। चौथा है ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग, इसका जो मतलब है वो है द पोइट स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग द पास्ट एंड फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट इन रिवरीज एंड ड्रीम्स इन द रेनी वेदर, तो जो पोइट था जो कि
अपनी यादों को वापस बुनना शुरू कर देता है, जो पास्ट की उनकी यादें हैं उनको, और अपने आप को जो सपनों में खो देता है, सपने देखने लग जाता है। जो फिफ्थ है उसका हम मतलब समझ लेते हैं, 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, निकी द पोइट रिकलेक्ट हंड्रेड्स ऑफ मेमोरीज इन द रेनी सीजन, दे वीव ए वेफ्ट विथ द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड्स। जो पोइट है कवि है वो हंड्रेड्स ऑफ कई सौ यादें वापस से कलेक्ट करता है, मतलब याद करता है इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, और जो उनकी कल्पनाओं के जरिए एक एक शेप सा बुनता है उन यादों का अपने मन के अंदर। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो पोइट को क्या करना पसंद है जब बारिश आती है, तो इसका आंसर है, व्हेन इट रेन्स द पोइट वांट टू लाई ऑन बेड इन ए कॉटेज एंड लिसन टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। तो कभी को जब बारिश आती है तो उसको बेड पर, अपने बेडरूम के बेड पर लेट जाना और जो बारिश के गिरने की पड़पड़ाहट की आवाज़ है उसको सुनना पसंद है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी डेट कम्स टू द पोइट्स माइंड, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू। तो द पोइट मदर्स इज द सिंगल मेजर, आंसर है इसका, द पोइट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी डेट कम्स टू माइंड, डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर लाइक द पोइट। तो द पोइट मदर्स जो पोइट की जो माँ की जो उनकी यादें हैं वो उनके माइंड में, उनके मन में आती है, दिमाग में आती है। एंड डार्लिंग ड्रीमर्स उन बच्चों के लिए कहा गया है जो बच्चे अपनी माँ को एक पोइट की तरह याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, इज द पोइट नाउ ए चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या पोइट अभी भी एक बच्चा है और क्या उसकी माँ अभी भी जिंदा है। तो इसका आंसर है नो, द पोइट इज नॉट ए चाइल्ड, हिज मदर इज नो मोर, बट हर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट हिम। यानी कि नहीं, पोइट अभी अब बच्चा नहीं है और ना उसकी माँ अभी जिंदा है, बट लेकिन उसकी मेमोरीज उसके मन में आती रहती हैं, उसको खंगालती है। अब सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन यू आर चाइल्ड डिड यू मदर टक यू इन, डिड योर मदर टक यू इन एज अ पोएट्स मदर डिड। तो जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर वन क्या था, कि व्हेन यू वर ए यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स मदर डिड। जबकि इसका मतलब कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारी माँ भी क्या तुम्हें बांध दिया करती थी जैसे कि पोइट की मदर करती थी। तो आंसर हम देख लेते हैं, यस माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, वेन एवर आई सेड डेट आई कुड नॉट डू सम वर्क सी एम्ब्रेस्ड मी एंड टुक मी इन हर लैप टू गेट दैट वर्क डन। सी यूज टू फील सैड एंड डिजेक्टेड इफ आई वॉज इन्वॉल्व इन एनी मिसेप। हाँ, मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही बांध दिया करती थी जब मैं छोटा बच्चा था। जब कभी मैं कहता था कि मैं काम आपका ये काम नहीं कर सकता तो वो मुझे अपने गले से लगा लेती थी और अपनी गोद में ले लेती थी अपना काम करवाने के लिए, और वो अक्सर दुखी और उदास भी हो जाया करती थी अगर मैं किसी दुर्घटना में हूँ या मेरे कुछ मैं गिर जाऊँ कुछ हो जाऊँ तो वो भी दुखी उदास हो जाया करती थी। क्वेश्चन सेकंड है, डू यू लाइक रेन, वुड यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली, और
वाट डू यू डू वेन इट रेन्स स्टेडली और हैवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोइम। तो इसका है कि तुम्हें बारिश पसंद है और जब तुम क्या करोगे, जब बारिश धीरे धीरे या फिर जोर जोर से हो रही होगी तो तुम क्या करोगे? तो यस आई लाइक रेन एंड प्रिफर टू टेक ए बाथ इन द रेन फॉर सम टाइम, बट वेन इट रेन्स हैविली आई स्टे इनसाइड एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। हाँ, मैं बारिश को पसंद करता हूँ, बारिश मुझे अच्छी लगती है। और प्रिफर टू, मैं जब अगर बारिश धीरे धीरे हो रही होगी तो मैं बाहर जाकर खुले में जाकर नहाना चाहूँगा बारिश के पानी से, और जब बारिश बहुत तेज़ हो रही होगी तो मैं घर के अंदर रहूँगा और जो बारिश है उसको इन्जॉय करूँगा, उसके मज़े लूँगा। क्वेश्चन 3 है, डज एवरीबडी हैव ए कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम सीक शेल्टर इट एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन। तो इसका मतलब है कि क्या हर कोई के पास जो आरामदायक महंगा बेड होता है बारिश के मौसम में उस पर सोने के लिए? लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो और डिस्क्राइब करो कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स, जो अलग अलग तरह के लोग और जानवर हैं, वो अपना टाइम कैसे बिताते हैं और वो अपना आश्रय कैसे ढूंढते हैं बारिश के मौसम में? तो आंसर है नो, एवरीबडी इज़ नॉट सो फॉर्चुनेट टू हैव ए कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स। देर आर सम पीपल हु लिव एट द रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड बस टर्मिनल, दे डोंट हैव इवन बेड शीट। वांट टू टॉक ऑफ कंफर्टेबल, वांट टू टॉक ऑफ कंफर्टेबल बेड्स। देर आर सो मैनी एनिमल्स विच डोंट हैव एनी शेल्टर एंड ट्रेम्बल अंडर द डार्क स्काई इन द रेनी सीजन। तो इसका मतलब है कि नो, हर कोई के पास, हर कोई का ऐसा भाग्य नहीं होता कि उसके पास इतना महंगा आरामदायक बेड हो बारिश के मौसम में सोने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड्स पे रहना पड़ता है, वहीं सोना पड़ता है, और दे डोंट हैव, उनके पास तो बेड या कोई बिस्तर तक नहीं होता है। तो हम कोजी बेड्स की क्या बात करें, मतलब उस आरामदायक पैसे वाले महंगे बेड्स की क्या कहें जब उनके पास तो एक बेड शीट भी नहीं होती है। देर आर सो मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर हैं जिनके पास सेंडर नहीं होता और वो बारिश के मौसम में कपकपाते हुए रहते हैं खुले आसमान के नीचे। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। यहाँ चैप्टर के लास्ट में एक लाइन दी गई है जो कि अब्राहम लिंकन ने कही थी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो वो लाइन क्या है, ऑल डेट आई एम और एवर होप इट बी आई ओ टू माई एंजल मदर। मतलब मैं आज जो भी हूँ और जो भी होना चाहता हूँ, मैं मेरी माँ, प्यारी सी माँ, परी माँ का ऋणी हूँ। मतलब जो मैं जो कुछ भी हूँ या होना चाहता हूँ, मैं उन्हीं के कारण हूँ।